और ये अदनान सदीक साहब भाई फुल मूड में लग रहे हैं हमें तो। नो बोल। कौन बुलाती है एजेंट भाई? और जाने का नहीं, शेर और शायरी। हाँ, शेर और शायरी नाम भूल गया हूँ। अच्छा, क्या डायलॉग क्या था वो भी भूल गया। वही भूल गए। चलो रहमान, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तो बात ही नहीं कर रहे यार हम। क्यों? आप बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं। क्या क्या किया मैंने बताओ ना। बिहाइंड द सीन्स बताऊंगा। बिहाइंड द सीन्स ऑन कैमरा बता दो यार। बिहाइंड द सीन्स तो फिर गाइस, अभी ऑफिस से छुट्टी होगी और ऑफिस से निकलने गए और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। चल, बिना आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आती है एंड तक देखनी तो लाइक करें, उसके बाद शेयर भी कर दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अभी जा रहा हूँ सीधा जो है मैच खेलने, क्योंकि आज संडे और जो है बॉयज वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। गाइस आज जो है ना उस गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इसलिए जो है हम विकेट यहाँ पर लगा रहे हैं और यहाँ से खेलेंगे। विकेट छोटी है यार, लेंथ वाइज छोटी है, इसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए। देख लो, फिर मैं आउट नहीं होगा, फिर नहीं कहना। खेलने आया हो या ऐसे ही देखने आया हो? मैं खेलने आया था, लेकिन मैं देखा जगह छोटी ना, तो मेरे छक्के वक्के बॉल घुमाने। हाँ बस सही है, ठीक है, ओके। बड़े मैच का प्लेयर है, असल में इसको बैटिंग ही नहीं मिलेगी। तो भाई ये मेरा बैग है जो ऑफिस से डायरेक्ट आया, यहाँ पर जो है ना ये तिजोरी बनी हुई है, इसमें सही भाई कमाई हो जाएगी मेरे, अगर लेके चला गया। क्यों अर्सल? बॉलर्स रेडी हो रहे हैं, तीन चार बॉलर जाएंगे और बैट मेरे हाथ में, क्योंकि मैं फर्स्ट आया हूँ, पहला नंबर मेरा है, और बाकी जो है ना दूसरा तीसरा चौथा ये पता नहीं कौन है। Few moments later. तो भाई कोई 10 ओवर करवा के और दो बार बैटिंग करके जो है अभी मैं फाइनली थक गया हूँ, और अभी जो ना थोड़ा बहुत गेम जा रही है। और ये देखे ग्राउंड में जो है ना तमाशाई भी आ गए बकरियों की सूरत में। चलो भाई ये जो है ना आखिरी विकेट है, तो आउट हो गए। आउट है, आउट है। हाँ भाई मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ बहुत मजा आ रही है। गार्डन गार्डन पे भरी है। कितने अर्से बात कर रहे हो? लास्ट टाइम तुम लोगों साथ खेला था, आया था अनंत जी, शुक्र इधर नहीं आया, वरना बैटिंग करने लगे था। नहीं, वो निकला, बोलता यहाँ पे नहीं खेले, मैंने बोला फिर अल्लाह चला गया। फिर उधर खेल रहे, बैटिंग करने लगे था वो, फिर आया था। तो लास्ट टाइम याद है तुमने वीडियो बनाई थी, अदनान सिद्दीकी को जो मैंने बॉलिंग कराई थी, आउट नहीं कर पाया था नहीं, लेकिन फिर भी उसने तीन चार बोले खेली थी यार। हाँ वो खेला तीन चार बोले। हाँ तो खैर वो था, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं खेलते करके खेलते। हाँ तो भाई ये जो है ना हम लोग जहाँ खेलते हैं ना, यहाँ पर जो है ना अदनान सिद्दीकी रहते हैं, अदनान सिद्दीकी जो है ना पाकिस्तानी एक्टर हैं, और ये सामने जो है ना इनका घर है, तो वो भी कभी कभार आके खेल लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब बाबर के साथ खेला था ना, तो बाबर ने वीडियो बनाई थी मेरी, मैं बोल दिया था अदनान सिद्दीकी को, और तभी तो पता मेरे व्लॉगिंग का शौक चढ़ा था। हाँ उस दिन से चढ़ा था। हाँ याद है, तुम मेरी वीडियो बनाए थे, मेरे नहीं बनते थे, मैं वीडियो तुम्हारी। हाँ तो भाई बाबर मेरी वीडियो बना रहा था, अदनान सिद्दीकी बैटिंग कर रहा था और मैं बॉलिंग कर रहा था। तो भाई इसी ब्लॉग में मैं दिखा दूँ, वीडियो मेरे पास रखी हुई अभी तक तुमने सेंड की थी, वो जब तुमने मुझे व्हाट्सएप की थी वो वीडियो। हाँ, लगा दे, इसी में लगा दे। हाँ भेजते थे मैंने। हाँ व्हाट्सएप पे रखी हुई है। हाँ तो लगा दो। चलो भाई डन है। तो भाई वो वीडियो जो है ना इसी ब्लॉग में दिखाएंगे कि मुझे जो है ना किस तरह से व्लॉगिंग का शौक चढ़ा था, और फर्स्ट टाइम मैंने बाबर को देखा था व्लॉग बनाते हुए, और वो मेरी वीडियो बना रहा था, अदनान सिद्दीकी को बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे मतलब उसी टाइम से इंटरेस्ट हुआ व्लॉगिंग में। और फिर बाद में आपको जैसे कि पता है कि तमाम जो है ना हमारे रिश्तेदारों ने, जैसे बाबर, दिलबर, सितारा बाजी, साजिद भाई, सब ने मुझे सपोर्ट किया, और काफ़ी सपोर्ट रहा रिश्तेदारों का, और जो है ना व्लॉगिंग की जर्नी अब तक मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है। क्या वो आउट कर दिया भाई? आमिर भी आउट हो गए, आउट हो गए भाई आमिर। बाबर तुम्हारी बैटिंग कब है आई? तुम्हारी बैटिंग कब है? मेरी एंड में आखिरी नंबर। अच्छा आखिर में आया था ना, क्योंकि आउट हो गए यार, वो बंगले का आउट रखा था पता ही नहीं। तुम्हारे फास्ट बॉलर को पहला है मैंने भाई, पहले मैच में क्या होता वो भी बता दो। तो आपको आपको मेरे व्लॉग में पड़ी हुई, मैंने बोला अभी आउट है, पहले बोला वो पड़ा हुआ ना वो डाल ले। पहले तो ये काली के बाद दूसरा है, मैंने चांस काली के बाद नहीं है भैया, इसको बोलते हैं एक बंदा जो पहले बता देता है भाई था, मेरे ना ख्याल करना था। चलो चलो भाई चलो, अच्छी बात है, ख्याल करना चाहिए। तो चले गए अभी जो है ना थोड़ी बहुत बॉलिंग और करवा लेता हूँ, कोई 10 ओवर करा लिए तो और करवा लेते, 12 हो जाएंगे, तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। अच्छा जी, तो अभी जो ना वकार भाई जो ना बॉलिंग करने लगे हैं, और वो भी अदनान सिद्दीकी साहब को जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ फैजान करा रहे, फैजान आप करा रहे हो, आउट करोगे? ये रही, चलो भाई जल्दी से कराओ,
और ये अदनान सदीकी साहब भाई फुल मूड में लग रहे हैं हमें तो। नो बोल। वकार आउट करेगा, वकार आउट करना। चुप फिजान, तू भी आउट करना इसको। नहीं कर पाए अभी, वकार आउट नहीं कर पाए। और अदनान सदीकी साहब जो ना अभी घर जा रहे हैं, ये उनका घर है, ये हमारे घर के करीब ही है मतलब, तो ये हमारे साथ भी मैच वगैरह खेलते रहते हैं। और ये अभी मेखिया से घर जा रहे हैं, तो ये हमारे साथ हमेशा मैच खेलते रहते हैं, हम भी यहीं पर होते हैं। तो अभी बस मैं जो ना घर जाता हूँ, फिर आपसे आज मैच खेलने के बाद हमारे सदर पीछे सदर से जो ना हमें चाहिए था बैग, मेरे लिए नहीं फिराज भाई के लिए, तो मैं भी चाहिए छोटू बैग। हाँ इसके लिए लेना है, नहीं लेना क्या करना है तुमने? तो भाई ये जो है ना चिराज का भाई है, और अभी जो है ना एक बैग पसंद आए, लेकिन जो है ना उसकी प्राइस फाइनल करवा रहे हैं, देखते कितने का फाइनल करते हैं। लेके आ गए भाई बैग, तो ये बैग आ गया भाई, ये रहा तुम्हारा पसंद का बैग, वही है, अभी छोटा नहीं हो गया ये, वही है भाई, वही है, वही बैग है। तो भाई इसमें जो है ना ट्रैवलिंग का जो है ना सामान डाल के, जैसे कि आप कपड़े वगैरह डाल के जो है ना लेके जा सकते हैं, और ऑफिस के लिए भी जो है ना काफ़ी यूज़फुल है, इसमें लैपटॉप भी कैरी कर सकते हैं। ऐसे है भाई, तो फाइनल करो, बस यही ले लो। अरे अच्छा, एक तो ये ना ज़्यादा मेला नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू बाइक, तो ये मॉल में लेते ना, मॉल से लेते ना 6-7 का मिलता, सही है ठीक है। मैं कितने का? 14,000 का। क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, ये वीडियो में देख रहा हूं। हां देखिए जो व्लॉग में था, अच्छा मॉल में गया, एम्पेरियम मॉल में 14,000 रुपये। तो भाई लाहौर एम्पेरियम मॉल की बात करें कि उनके व्लॉग में जो है ना एक मॉल में गए थे, सेम टू सेम बैग जो है ना 14,000 का बोला था, और यहां पर जो है ना यहां पे भी जितने भी मॉल है जैसे हाइपर स्टार वगैरह, हां सही कह रहे हैं आप, वहाँ भी आपको 14, क्योंकि मैंने जो है ना अपना बैग लिया था ना वो 5,000 में लिया था, और वो इससे भी मतलब लो क्वालिटी है, ये क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो भाई अगर किसी को भी चीज़ें लेनी हो ना तो सही फॉरी करनी पड़ती है, सदर आना पड़ता है, सदर में ये शॉप लोकेटेड है, और यहाँ पर जो है सिर्फ 3,300 का बोला आपने फाइनल, जैनम मार्केट में। हाँ जैनम मार्केट में शॉप है भाई, और यहाँ पर जो है हमने बड़ी 3,300 का फाइनल कर दिया इन्होंने, पहले तो 5,000 बोला था लेकिन अभी 3,300 में जो है ना इन्होंने डन कर दिया, बस ले ले भाई। हाँ ले। तो भाई ये ब्रांड न्यू बैग बन गया, और चेक वेक करवाने के बाद जो ना अभी किसी को बोलेंगे ना मॉल से ले तो वो यकीन भी कर लेगा, वो जो है ना चमचमाता बैग बन गया। चले भाई अभी आगे से जो है ना और भी सामान लेना है, यही बैग लेके निकले हैं, और मुझे लगता था सिर्फ मैं ही भुलक्कड़ हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा भुलक्कड़ तो ये भाई साहब है जो मेरे साथ आए शिराज। हुआ ये कि इन्होंने ना नए कपड़े लिए, और जो है ना मतलब के अनस्टिच कपड़े थे कमीज सलवार, और उसे जो ना टेलर को देने थे सिलवाने के लिए, लेकिन भाई साहब हम एक शॉप पे गए, वहाँ पर जो ना कुछ सामान वगैरह देख रहे थे, वो वहीं पर थैला भूल के आ गए और हम आगे निकल गए, और अभी हम वापस जा रहे हैं उस शॉप पे, और वहाँ पर अभी कन्फर्म भी नहीं है कि वहाँ पर इन्होंने रखा ही नहीं रखा, तो अल्लाह करे मिल जाए। तो भाई शॉप पर जो है ना ये जो हम बोले थे मिल गए फाइनली, और अभी जो है ना हम यहाँ से रुख्सत होने लगे सदर से। तो दो वीक्स पहले संडे जो था, हम संडे को आए थे इस रेस्टोरेंट, और यहाँ पर ना उस वक्त इतना रश नहीं था, लेकिन अंदर जो है ना अभी पूरी बुक चल रहा है, अंदर बिल्कुल जगह नहीं थी, तो हम जो है ना बाहर टेबल लगा के बैठे हुए, और जो ना काफ़ी और भी टेबल्स लगे हैं, फैमिली बैठी हुई है, और ऊपर भी जो ना खोली है, देखें आप देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर बॉयज़ बैठे हुए हैं, तो ऊपर भी जो ना खोल चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी पता नहीं ऑर्डर कब लेने आएंगे, लेकिन यहाँ का लास्ट टाइम हमने खाया था, हमने क्या खाया था, चरगा खाया था ना लास्ट टाइम, चरगा खाया था ना लास्ट टाइम, हमने चरगा खाया था ना, हाँ चरगा विद राइस खाया था। तो भाई अभी यहाँ पर जो ना कोई ऑर्डर लेने आएगा तो हम देखते हैं, कुछ और ट्राई करेंगे नहीं हो। A few inches later. तो भाई फाइनली जो ना बड़े इंतजार के बाद हमारा खाना आ गया, और आज काफ़ी टाइम लगा क्योंकि काफ़ी रश है, वीकेंड है। तो भाई ये है प्लेटर, इसमें जो ना नीचे की तरफ राइस है, राइस के ऊपर जो ना कबाब है, कबाब के अलावा मलाई बोटी है, टिक्का है, और इसके अलावा जो है ना सैलेड भी है, तो ऑल इन वन है। तो जाइए जल्दी से जो ना अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लगी है। यहाँ पर जो है ना ये बोटियाँ वगैरह और टिक्के वगैरह बन रही हैं, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर जो है ना रेडी हो रही हैं कोयले के ऊपर, और ये कबाब रेडी हो रहे हैं,
जा रहे भाई, जबरदस्त यार, बहुत मेहनत करो यार आप। और ये भाई कराची में बंस रोड है, यहाँ पर जो ना फूड स्ट्रीट है और जो है ना ये फेमस है बंस रोड कराची में, इधर जो है ना तरह तरह के खाने मिलते। तो खैर जो है ना अभी हमने खाना खाना खा लिया और अभी निकल रहे हैं, और इस वक्त जो है ना बाइक चलाने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा, तुम चलाओगे? मेरे पाँव में दर्द। अच्छा, मैंने भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेली है, मैंने तुम्हें ज्यादा सुबह भाई ओवर करके आओ, 4 ओवर करके आओ, 20 ओवर का गेम था वहाँ खेला। अभी वो क्या यार, वो सामने जो है ना वो इतने जो है ना बड़ी बड़ी सीख लगी, उसमें क्या लटका हुआ है? मटन है मेरे कहा, ये लिखा हुआ ना मटन। तो भाई यहाँ पर मटन मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम वहाँ चलेंगे, ठीक है? तो भाई पूरा ये जरा बंस रोड एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट टाइम यहीं से खाया था हमने, इस रेस्टोरेंट से ही लास्ट टाइम हमने दरगाह खाया था और आज जो ना प्लेटर खाए, और नेक्स्ट टाइम कुछ और खाएंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी रश हो रहा है, फैमिली आ रही है, तो मिलते हैं आप सबसे कुछ ही देर बाद। जैसा कि आज जो है ना फादर्स डे है, ये भाई और भाभी ने जो ना अरेंजमेंट की है, तो अब आज आपका दिन है, वैसे तो हर दिन आपका दिन होता है मेरे लिए, तो आपको जो है ना आज स्पेशली हैप्पी फादर्स डे, आपको मुबारक हो, खैर मुबारक। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस तमाम बच्चों के फादर को लाकर आबाद शाद रखे, खुश रखे, इसी तरह आबाद शाद रखे। The next day. Assalamualaikum, सुबह बखैर एंड वेलकम टू द सेम व्लॉग। तो जी अभी उठाऊँ और रात को सेलिब्रेशन करके जो ना मैं सो गया था गधे घोड़े बेच के, क्योंकि हुआ ये था कि सुबह 7:30-8 बजे ऑफिस गया था और जो है ना 5 बजे ऑफिस जैसे छुट्टी हुई तो फिर डायरेक्ट जो है ना खेलने चला गया, और वहाँ से फ्री हुआ तो सदर चला गया, और जो है ना थोड़ा बहुत काम था, जैसे कि दोस्त को उसने बैग लिया था, काफ़ी मतलब अरसे से कहता था कि मुझे बैग दिलवा दो, तो उसको बैग दिलवाया, और फिर जो है ना वापस कोई 11:30 तक आया और 12 बजे में सो गया। लेकिन जैसे कि आज मंडे है, तो मंडे को मेरी वीकली ऑफ होती है ऑफिस से, जैसे कि आप सबको पता होगा, लेकिन आज जो ना थोड़ा सा सरप्राइज मिला, वो यूँ कि मैंने आज सोचा था कि आज बहुत सारे काम भी करने थे और रेस्ट भी प्रॉपर करता, लेकिन ऑफिस में जो है ना हमारे एक कुलीग हैं वो ऑलरेडी लीव में, और एक और दूसरे कुलीग हैं, मतलब दो कुलीग छुट्टियों पे, एक तो इमरजेंसी लीव ले ली आज जिसने, और दूसरा ऑलरेडी लीव पे थे, तो इसीलिए जो ना मुझे ऑफिस बुला लिया गया, और अभी आज मंडे को ऑफिस जा रहा हूँ, वरना जो है ना आज छुट्टी होती है। वैक्सीन हुआ है यार, तो खैर होता रहता है कभी कभार, मतलब कि इमरजेंसी हो जाती है किसी के घर में, तो इसलिए जो ना मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं करता हूँ आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, इसके अलावा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते एक मैसेज जो है ना हैप्पी फादर्स डे पे, कि हर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो है ना कल का दिन जो था वही फादर्स डे था, मतलब हर दिन जो है ना माँ बाप को तो हर दिन होता है, तो यही मतलब कहना कि मैसेज कन्वे करूँगा कि जिनके अभी तक वालदेन का साया उनके सर पे, तो वो बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, मतलब दौलत से ज़्यादा बढ़ के, तो वालदेन की रिस्पेक्ट करें और उनको खुश रखें जितना हो सके, और आप जो है ना लकी, बहुत लकी हैं अगर आपका मतलब आपके सर पर अपने वालदेन का साया है, तो यही मैसेज कन्वे करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय, हाफिज़।